अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 17 रोज़ा। तो आज मैं बना रही थी क्रोसांट, तो मुझे आप लोगों को रेसिपी देनी थी क्योंकि ये बहुत अमेजिंग रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, एंड तक वीडियो को वॉच करें। तो सबसे पहले मैंने लिया नीम गर्म पानी, उसके अंदर मैंने डाली है शुगर और उसे अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेना है शुगर को। शुगर का एक दाना भी नहीं रहना चाहिए उसके अंदर, इस बात का ध्यान रखें। और उसके अंदर मैंने डाली है एक चम्मच भर के ईस्ट, ड्राई ईस्ट मैंने डाली है, और उसको मिक्स कर लेना है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके अंदर मैंने डाला है मैदा, 2 कप मैदा डाला है मैंने, और फिर मैं इसको अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। मैंने इसके अंदर ना तो तेल डाला है और ना ही मक्खन डाला है, कुछ भी नहीं डाला। और मैंने इसको स्लैब पर डाल करके अच्छे तरीके से इसको नीट करना है। इसको हमने खींच खींच के और अच्छे तरीके से इसको हम नीट करेंगे। फिर मैंने लिया है यहाँ पर सॉफ्ट बटर, फिर मैंने सॉफ्ट बटर डाल करके इसको अच्छे तरीके से मसलना है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इसके अंदर बिल्कुल लम्स ना रहे। और मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए रख दिया था, आप इसको 1 घंटे भी रख सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से राइस हो गया था ये मेरा आटा, और काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी लग रहा था और बहुत लाइट था। अब मैंने इसके इस तरीके से पेड़े बना लेने हैं, सारे पेड़े हम इक्वल बनाएंगे। और ये खाने में बहुत ज़्यादा यमी होता है, टेस्टी होता है। आप इसको चाय के साथ खाएँ, आप इसके अंदर कोई भी अपनी मनपसंदीदा फिलिंग भर सकते हैं, लेकिन मैंने विदाउट फिलिंग बनाया था क्योंकि मुझे ये ऐसे ही पसंद है। तो मैंने एक रोटी बेली, और मैं इस तरीके से मैं सारी रोटियां बेल लूँगी। और जब मैं सारी रोटियां बेल लूँगी तो इसके ऊपर मैंने बटर लगाना है, थोड़ा सा मैदा छिड़कना है, पूरी एक पे एक रोटी रखनी है। अब यहाँ पर मैं बना रही थी मेरी कीमा, तो वो भी दिखा रही थी साथ साथ। मैंने बहुत बड़ी सी रोटी बेल ली थी, तो आपने भी इसी तरीके से करना है। और फिर मैंने बिल्कुल सीधे तरीके से स्क्वायर शेप में काटना है इसको, फिर ट्रायंगुलर शेप में काटना है। इस तरीके से अगर आप काटेंगे तो ये बहुत इजी से बन जाएंगे, और ये खाने में भी बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी और लेयर बहुत होती है इनमें। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करें इस रेसिपी को, क्रोसांट रेसिपी बहुत इजी होती है बनाना। तो इस तरीके से हम इसको गोल कर देंगे। अगर आप छोटे बना रहे हैं, यहाँ बना रही हूँ मैं कीमे की रेसिपी, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये जो कीमा है हम बना रहे हैं, ये तैयार के बाद जो हम खाना खाते हैं उसके लिए बना रहे हैं, और ये बहुत दमी बहुत मज़ेदार बना था, बहुत भुना हुआ मज़ेदार लग रहा था। तो यहाँ पे मेरे जो क्रोसांट हैं वो बन करके सारे शेप में रेडी हो चुके हैं, कुछ छोटे बने कुछ बड़े बने, तो आप अपनी मर्ज़ी में कोई सा भी शेप बना सकते हैं। मैंने अच्छे तरीके से प्लेट को अपने ग्रीस करा, उसके ऊपर मैदा डाला, और इसके ऊपर मैंने दूध जो होता है वो लगाया, दूध ब्रश, बहुत अच्छा कलर आता है इससे और सॉफ्ट लगते हैं खाने में। तो मैंने इसके ऊपर डाले हैं तिल, आप तिल को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन तिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने में, खूबसूरती। मैंने पहले ही अपनी कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया था, मैंने कढ़ाई में इसलिए दिखाएं क्योंकि आप लोग फिर कढ़ाई में अगर बना सकते हो तो बना लो, वरना आप ओवन में ही बना सकते हो, OTG में, जिसमें आपका दिल चाहे आप उसमें बनाओ। फिर यहाँ पर मैं फ्रूट्स कट कर रही थी क्योंकि हमारी नानी जो है वो अपने घर जा चुकी हैं, तो फ्रूट्स आजकल वो कट नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं मेरे पेरेंट्स जो हैं मैं उनको भी दिखा रही थी। यहाँ मैं बना रही थी मंचूरियन बॉल्स, और मंचूरियन के अंदर मैंने थोड़ा सा बीटरूट भी थोड़ा सा डाला था, बीटरूट से कलर बहुत अच्छा आ रहा था मेरे मंचूरियन में, तो मुझे अच्छा लगा आप भी डाल सकते हो। यहाँ पे जो मेरे क्रोसांट हैं वो अच्छे तरीके से बेक हो रहे हैं। यहाँ मंचूरियन की मैं ग्रेवी बना रही हूँ, आप एक बार ना ये डाल के देखिएगा बीटरूट थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसकी रेसिपी मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, लेकिन मैंने उसमें बीटरूट नहीं डाल रखा, अगर आप बीटरूट डाल सकते हैं तो आप डाल लें। यहाँ फ्रूट्स कट हो चुके थे, और मम्मी बना रही थी मेरे यहाँ ब्रेड पकौड़ा, ये बहुत यमी बने थे ब्रेड पकौड़े। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दें। तो बस मैंने फटाफट से लगाया दस्तरखान और सब बैठ गए दस्तरखान पे, और मेरे यहाँ पे क्रोसांट बन करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और ये बहुत यमी बहुत डिलीशियस बने थे। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैंने ऊपर से इसके हल्का सा ना बटर भी लगाया था, वो मैं शूट करना भूल गई। यहाँ मैंने बनाया था मस्क मेलन जूस, खरबूजे का जूस, जो कि बहुत मज़ेदार बना था। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें इसकी रेसिपी, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं। यहाँ मेरे पापा और भाई सब बैठे हुए दुआ मांग रहे थे, मैं भी दुआ मांग रही थी। तो बस आज यही था व्लॉग मेरा, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।